भारत की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा अब भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बनाने जा रही है। उसने इस काम के लिए ब्राजील की एब्रेन कंपनी से समझौता किया है। यह समझौता भारत सरकार के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। भारत में ही इस विमान को बनाने की फैक्ट्री लगेगी, यहीं पर विमान बनेगा। इस विमान का नाम C-390 मिलेनियर। यह एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना तो करेगी ही, बल्कि यहाँ से बनने वाले विमान जब बाहर एक्सपोर्ट हो गए तो उससे देश को फायदा होगा, साथ ही देश में रक्षा विमान उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। C-390 मिलेनियम मीडियम साइज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसकी पहली उड़ान ब्राजील में 3 फरवरी 2015 को हुई थी। 2019 में इसे सबके सामने पेश किया गया था। तब से अब तक 9 विमान बने हैं। इसका इस्तेमाल फिलहाल ब्राजील, पुर्तगाल, हंगरी की वायुसेनाएं कर रही हैं। इस विमान को 3 लोग मिलकर उड़ाते हैं, 2 पायलट और 1 लोड मास्टर होता है। यह विमान 26,000 किलोग्राम वजन लेकर उड़ान भर सकता है। 80 सैनिकों को एक बार में लेकर उड़ान भर सकता है। 115.6 फीट लंबे विमान की ऊंचाई 38.10 फीट है। विंग स्पैन 115 फीट है। इस विमान में एक बार में 23,000 किलोग्राम फ्यूल आता है, जो इसे पूरे साजो सामान के साथ एक बार में 5,000 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भरने की ताकत देता है। इसकी अधिकतम गति 988 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैसे यह आमतौर पर 870 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है। यह विमान अधिकतम 36,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह विमान हमला से ज़्यादा बचाव तकनीकों से लैस है, ताकि लोगों को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा जा सके।